लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जी जुई को पता चल चुका था कि उसने जिन लोगों को भेजा था वो लोग फेल हो गए, जिस पर अभी डिसाइबल किया था कि बॉस समेट ऐसा लेने की जरूरत नहीं है। अभी भी हमारे साइड में बहुत से ऐसे डिसाइबल है जो लुशियन का काम तमाम कर सकते हैं, बस आपके ऑर्डर की देरी है। तब जी जुई किया था कि हम वाला टेंशन क्यों ले, मैं उस लुशियन से कई गुना ज्यादा पावरफुल हूँ, जब चाहे उसे खत्म कर सकता हूँ। तब इसके इतना किया था अब हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जो आज से कई साल पहले का डार्क फॉरेस्ट का सीन था। इस फॉरेस्ट में जी जुई पहली बार रोली को देखता है और देखती क्या रही है, सुनो तुम्हारा नाम क्या है। तब रोली जैसे इसकी ओर मुड़ के देखती है तो रोली का फेस देखते ही जी जुई का अरमान डोल जाता है। रोली से इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है कि अब रोली के सामने कुछ बोल भी नहीं पाता। तब ये देखकर रोली इसे इग्नोर करते हुए यहाँ से चली जाती है, क्योंकि इसी फॉरेस्ट में लुशियन भी रोली के लिए कुछ खरगोशों को पकड़ रहा था। रोली डार्क फॉरेस्ट की जर्नी में अपना ज्यादातर टाइम लुशियन के साथ ही स्पेंड करती थी और यही बात जी जुई को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जी जुई हर तरीके से रोली को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है मगर रोली भी इसे हर बार वार्निंग देते हुए इग्नोर कर देती है। तब जैसे जैसे दिन बीतता है जी जुई के मन में लुशियन के लिए और भी ज्यादा नफरत बढ़ने लगती है। इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि आखिर इस लुशियन में ऐसा क्या है जो रोली उसका साथ नहीं छोड़ती। जिसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जो हमने सीरीज के स्टार्टिंग में देखा था। लुशियन रोली से प्रॉमिस करते हुए लोअर रिलम में जा रहा था। तब रोली अब जी जुई के ऊपर बहुत ही गुस्सा करते हुए क्या देखिए सब तुमने किया, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी ही खत्म कर सकती हूँ। लेकिन लुशियन ने मुझसे प्रॉमिस किया कि फ्यूचर में वही तुम्हें मारेगा, इसलिए अब शिक्षा यहाँ से निकल जाओ और दोबारा मुझे अपनी शक्ल कभी भी मत दिखाना। और अब इन्हीं फ्लैशबैकों को याद करते हुए जी जुई क्या था कि रोली तुम टेंशन मत लो, मैं जानता हूँ कि इस टाइम में पावरफुल नहीं था इसलिए तुम मुझे लाइक नहीं करते थे, लेकिन अब मैं उस लुशियन से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। इस बार जब मैं तुम्हारे सामने उस लुशियन को खत्म करूंगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे लिए मोस्ट डिजर्विंग पर्सन कौन है। रोली बस कुछ समय और जिसके बाद तुम पूरी तरीके से मेरी हो जाओगे। और अब इधर हम इन लोगों को देखते हैं जो जी जुई के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तब मिस किंग सुन के अधिक लुशियन ये टूर्नामेंट अब लगभग खत्म होने वाला है, अब सिर्फ सोलो टीमें जो बची है वो सिर्फ मोस्ट पावरफुल टीमें ही है, हमें आज ही के आज कम से कम टॉप 10 में घुसना ही होगा। जिस पर लुशियन पूछता है कि क्या आप मुझे बची हुई टीमों के बारे में कुछ बता सकती है, तब मिस किंग सुन के अधिक होली स्पिरिट अकेडमी की लगभग 3 या 4 टीमें थी जिसमें से अब सिर्फ जी जुई की टीम ही बची है, वो अभी पॉइंट्स के मामले में रैंक 1 को होल्ड कर रहा है। इसके अलावा लुथेन क्लब और तैनलिंग अकेडमी सेकेंड और थर्ड नंबर पे है। बाकी 4 से लेकर 16 के बीच में तुम्हारे गार्डन सेक्टर 2 टीमें, मेरी 1 टीम और बाकी बचे 10 अननोन टीमें मौजूद हैं, जिसके बारे में मुझे भी कुछ उतना खास आइडिया नहीं है। तो अब बता तुमने आगे के लिए क्या सोचा है। जिस सॉल्यूशन की अदाई सोचना क्या है, हमें अब जल्दी से जल्दी बाकी टीमों को ढूंढ के उनके पॉइंट्स को छीनना होगा ताकि फाइनल राउंड के टॉप 8 में हमारा पोजीशन सिक्योर हो जाए। तब रोली भी कह रही बिल्कुल अब हमें अपने रैंक को पुश करने पे ध्यान देना चाहिए। जिस सॉल्यूशन की अदाई मिस किंग सुन, मैं चाहता हूँ कि आपकी अपनी टीम है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ क्या टॉप 8 तक आप मेरे साथ ऐसी साझेदारी बनाए रखेंगे। तब ये सुनिए मिस किंग सुन लुशियन को छेड़ते हुए कह दी कि इसका मतलब तुम मुझे खोना नहीं चाहते। जिस पर लुशियन कह दी कि क्या, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तब मिस किंग सुन अपना हाथ आई करते हुए कह दी ठीक है चलो एक और डील हुई, टॉप 8 तक पहुँचने तक मैं तुम्हारा साथ दूंगी। जिस पर लुशियन भी थैंक यू सो मच कहता है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये तीनों किसी बड़ी टीम को उंगली करके भाग रहे थे, लेकिन भागते भागते ये तीनों अब अचानक से गिरने का नाटक करते हैं। तब इनके पीछे जो टीम पड़ी थी उसका कैप्टन अब सामने आते हुए कहता है कि क्या हो बच्चों, क्या दौड़ते दौड़ते थक गए, चलो अब अगर मरना नहीं चाहते तो फिर बहुत ही इज्जत से अपने पॉइंट्स हमारे हवाले कर दो, मैं जानता हूँ तुम लोग टॉप 16 में हो इसलिए तुम लोगों के पास भी अच्छा खासा पॉइंट्स होगा। तब इसके डिसाइबल भी अब बहुत ही खुश होते हुए कह रहे कि बॉस अगर हमें इनके पॉइंट्स मिल गए तो अब तो हमें टॉप 8 में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिस पर अब रोली अपनी टीम के कार्ड को इस कैप्टन की ओर बढ़ाने लगती है, लेकिन तभी लुशियन इसका हाथ पकड़ लेता है। तब ये लीडर बहुत ही गुस्से में कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुमने मेरा हाथ पकड़ा। जिस पर लुशियन अब अपना नकाब हटाते हुए कहता है कि क्यों, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तब लुशियन को देख रही है कैप्टन बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि तुम तो कैप्टन लुशियन हो, जिसे सुनकर लुशियन कहता है अरे वाह तुम तो मुझे जानते हो। तब ये कैप्टन अब पीछे हटते हुए कहता है कि तुमने जानबूझकर हमें यहाँ पे लाया। जिस पर लुशियन कहता है बिल्कुल अब टीम में बहुत ही कम बची है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि हम दोनों टीमों के बीच में कोई और आके थर्ड पार्टी करे, इसके अलावा मैंने सुना है कि जी जुई से भी तुम्हारा अच्छा खासा रिश्ता है। तब ये कैप्टन अपने लोगों से कहता है तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो, ये लुशियन बच्चा अकेला इसे यहीं भी दबोच के पटक दो। जिस पर मिस किंग सुन रोली अब आगे आते हुए कह रहे कि जो भी आगे आएगा वो दोबारा लौट के नहीं जाएगा, इसकी गारंटी हम लोग देते हैं। तब इन दोनों को देखते इसकी टीम के डिसाइबल हिल जाते हैं और फिर बहुत ही डरते हुए कह रहे कि दो एंशिएंट क्लैन की प्रिंसेस सामने खड़ी है, सच में अगर गए तो फिर वापस नहीं आएंगे। जिस पर लुशियन अपने पंच को क्रिएट करते हुए कह रहा है कैप्टन लीथेन मेरे ख्याल से ये फाइट अब सिर्फ मेरे और आपके बीच में है,
तब ये कैप्टन भी बहुत ही गुस्से में किया था कि हाँ दोस्त उससे क्या हुआ, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत से लोगों को डिफीट किया है लेकिन मैं उन सबसे बेस्ट हूँ, तुम्हें डिफीट करने के लिए मुझे अपनी टीम की ज़रूरत नहीं है। जिस पर लूशन कहता है ठीक है फिर अब मैं देख ही लेता हूँ कि आखिर तुम कितने बेस्ट हो, और इतना कहते ही लूशन सीधे अपने थंडर पंच के साथ इसकी ओर बढ़ जाता है। तब कैप्टन तैन भी अब हंसते हुए लूशन की ओर अपने एक पंच के साथ बढ़ जाता है और बढ़ते हुए कहता है कि अब तुम मेरे बोन पंच का स्वाद चखो। तब लूशन कहता है कि वेल मेरे पास एक दूसरा आइडिया है, और इतना कहते ही लूशन इसके सामने अपने वुडन टेम्पल के ट्रेजर को अपेयर कर देता है, जिस पर अब इस ट्रेजर के अपेयर होते ही कैप्टन अब एक पावरफुल ग्रेविटी फोर्स में फंस जाता है। तब ये कैप्टन कहता है कि वो तो तुम्हारे पास वुडन टेम्पल का एक खास ट्रेजर है जो अपोनेंट के ऊपर एक पावरफुल ग्रेविटी फोर्स को बरसा सकता है, जिस पर लूशन कहता है बिल्कुल आप थोड़े प्रेशर का मजा लो। तब इस प्रेशर को झेलते हुए कैप्टन अब चिल्लाते हुए कहता है कि लूशन अगर तुम्हें दम है तो फिर इस ग्रेविटी प्रेशर को हटा के मुझसे 1v1 फाइट करो, जिसे सुनते ही लूशन इसके बोन वाले हैंड में एक पंच मार देता है। तब ये कैप्टन कहता है क्या तुम सिर्फ अपने अपोनेंट को इसी तरह से बेबस करके उनसे फाइट करते हो, मैंने तो सुना था कि गार्डन सेक्टर लूशन अपने अपोनेंट को भी बराबरी का चांस देता है। जिस पर लूशन कहता है कि इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक बोन गॉड बॉडी स्किल है जिसका यूज करने से तुम्हारी बॉडी बिल्कुल अनबीटेबल हो जाती है, मैं बस वही टेस्ट कर रहा था कि आखिर तुम्हारी बॉडी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। और इतना कहते ही लूशन अपने ट्रेजर को डिसअपीयर करते हुए इस प्रेशर को हटा देता है। तब ये कैप्टन कहता है कि लूशन तुम्हारी दरियादिली ने मुझे खुश कर दिया, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मैं जीजी से भी फाइट कर चुका हूँ और वो भी मेरे गॉड बोन बॉडी टेक्निक को ब्रेक नहीं कर पाया था। जिस पर अब इतना कहता है ये कैप्टन अपनी टेक्निक का यूज कर लेता है। तब इसे ऐसा करते इसके बॉडी में चार और बोन का एक बहुत ही पावरफुल कवच अपेयर हो जाता है, जिसे देखते हुए लूशन भी अब हंसते हुए अपने ओरा को अपेयर कर लेता है। तब ये कैप्टन अब चिल्लाते हुए कहता है कि लूशन अब तुम नहीं बचोगे, और इतना कहते ये बहुत ही फास्टली सीधे लूशन के पीछे अपने अटैक के साथ अपेयर हो जाता है, जिसे देखते हुए किंग सुन कहता है कि इस आर्मर की वजह से इसकी स्पीड भी 40% तक बढ़ गई है। तब अभी तरह कैप्टन जैसे लूशन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लूशन सीधे यहाँ से गायब होकर इसे ही एक पंच मार देता है, जिस पर अब इन दोनों के बीच यहाँ पे एक अच्छी खासी फाइट शुरू हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं, मगर इनके पीछे की फाइट बहुत ही जोरदार हो रही थी। तब इस नज़ारे को देखते हुए मिस किंग सुन कह रही आज बड़े दिनों बाद कोई ऐसा मिला है जो लूशन को इस लेवल का टक्कर दे रहा है, जिस पर रोली कह रही नहीं अगर लूशन उसे डिफीट करना चाहता तो फिर कब का कर चुका होता, वो दरअसल उसके गॉड बोन बॉडी में अपने पंचों को टेस्ट कर रहा है, अगर लूशन ने सिर्फ अपने पंचों से उसके बोन आर्मर को ब्रेक कर दिया तो उसकी कॉम्बैट स्किल और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।